हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू नीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th का एक टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में आपके साथ प्रॉमिस किया था। और जो टॉपिक मैं लेके आया हूं, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, क्लास 11th का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स है, ये फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये हेल्प हो जाती है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड हैं। आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो काफ़ी हेल्प है इसमें। तो देखिए, इससे पहले वाले जो कुछ भी टॉपिक्स हैं, बिकॉज जो हमारे नीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस के ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो थे, मतलब जो हमारे ऑफलाइन बैचेस में पढ़े हैं, तो उनकी एक हेल्प के लिए हम डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स से शुरू कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं जो इसके वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस या फिजिकल वर्ल्ड, मैं वहाँ पर भी आऊँगा और वो वाले जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर भी हम क्लैरिटी लाएंगे। तो आइए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने कल भी बताया, जब भी हम कोई चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर का मेन मीनिंग क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स, मैंने क्या बोला था, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट, और डायनेमिक का मीनिंग मोशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपने हीट और उसके मोशन के बारे में बात करनी है। जैसे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कौन कौन से होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, देन रेडिएशन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले दिनों में जो न्यू वीडियोस अपलोड होंगी उनमें वो टॉपिक्स भी होंगे। आज मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको थर्मोडायनेमिक्स का। नियर अराउंड 4 to 5 टॉपिक्स मैंने लिए हैं। तो आइए, मैंने अभी बताया आपको थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करती है कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर के साथ एंड देयर कन्वर्जन या इंटर कन्वर्जन के साथ। मीन्स हमें पता है यार, अगर मैं किसी बॉडी को, मान लीजिए एक मेरे पास बॉडी है, अगर मैं इसे हीट दूंगा तो होगा क्या, इसका टेम्परेचर राइज होगा। इट मीन्स हीट से टेम्परेचर जो है वो रेज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हीट और टेम्परेचर का आपस में इंटर रिलेशन है। उसके अलावा इसमें हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, तो हम ये जानते हैं अगर मैं अपने हाथों को आपस में रब कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, तो क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। तो ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने जा रहे हो। तो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है हमारा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमें बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करने हैं, तो नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है, अगर मैं एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ, तो सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर कीन ऑब्जर्वेशन। क्या मीनिंग हुआ, मान लो इस समय मैं इस पेन को या मार्कर को देख रहा हूँ, इसको मैंने अपने कीन ऑब्जर्वेशन पे रखा है। तो जब मैं इस पेन को स्टडी कर रहा हूँ, इसका प्रेशर या वॉल्यूम अगर या टेम्परेचर, तो जो चीज़ें मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे बोलूँगा क्या कि यार ये एक सिस्टम है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये मेन पॉइंट्स है जिसको मैं स्टडी करूँगा, और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है। और इसके अलावा जो भी इस पेन के अराउंड है, दैट इज सराउंडिंग्स, इट मीन्स द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स इज सराउंडिंग्स। ये हो गया लेमैन लैंग्वेज। अब थोड़ा अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ोगे, ये चीज़ क्लियर है। तो थोड़ा अब इम्पॉर्टेंट जो है इसमें, जो मेन आपकी नोटबुक्स में या बुक्स में होता है, तो हम उस पर आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तो मैंने डेफिनेशन बोली आपको, सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कीन ऑब्जर्वेशन। दूसरा, इसको आप ऐसा भी पढ़ सकते हो, एन असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मैंने क्या बोला, ये असेंबली है ना लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, काफ़ी पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं आपस में, उनके बीच में कोई फोर्सेज हैं। और उसके अलावा मैंने बोला उसके ऊपर सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए या होगी प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम की। इसका प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, सिस्टम। मेन पॉइंट क्या याद रखना हमने, कि ये कलेक्शन है या एक असेंबली है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, क्लियर। नेक्स्ट इज सराउंडिंग्स। अभी मैंने आपको बताया रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग्स। देखो, जो आप कुछ पढ़ते हो ना, तो इस वे में पढ़ना है कि ये आपको लाइफ टाइम उसके बेसिक्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो याद रहे। अब मैं जब क्लास 11th में पढ़ा था, तो मुझे याद है जिनसे मैं पढ़ा था, उन्होंने मुझे ये डेफिनेशन मतलब समझाई थी कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स इज सराउंडिंग्स। मुझे याद रहा, समझा मैं। तो ऐसा नहीं है कि आपसे जब कोई पूछता है यार ये टॉपिक आता है, आप बोल तो नहीं आता, क्यों,
क्योंकि आपको डेफिनेशन नहीं याद होती। डेफिनेशन किसने पूछी? आपसे उसका मीनिंग पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। तो सराउंडिंग्स को हम दूसरे तरीके से कैसे जानते हैं? वही एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम के अराउंड हर वो चीज़ जिसका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस सिस्टम के अराउंड हर वो चीज़ जिसका प्रभाव असर इस बॉडी पे पड़ सकता है, तो हम बोलेंगे वो सब चीज़ें क्या होगी? इनकी सराउंडिंग्स। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आ जाए। आइए देखो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट क्या हो गया? वो चीज़ जो कभी बदलती नहीं है। और वेरिएबल क्या हो गया? वो चीज़ जो कभी कॉन्स्टेंट नहीं रहती। इट मीन्स उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में मेनली तीन वेरिएबल्स आते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जिसके बारे में आपने पूरे चैप्टर में बात करनी है। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या हो गए? ऐसी क्वांटिटीज जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जो हमें मदद करेगा इसके बिहेवियर को जानने के लिए, इस सिस्टम या बॉडी के बिहेवियर को जानने के लिए, तो उन्हें हम बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। क्योंकि इसका प्रेशर और इसका वॉल्यूम या फिर इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है ना। मैं नीचे से फ्लेम्स के जरिए इसे हीट दूं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, होगा ना? तो इसलिए तो ये वेरिएबल बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पे आए। देखो नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा जाता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या पढ़ते हैं आप? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब ये पीवी एनआरटी का मीनिंग क्या हो गया? हियर पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप गैस ले रहे हो तो गैस के मोल्स, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, अब इसकी कुछ वैल्यू होती है वो आगे बताएंगे हम, एंड द नेक्स्ट वन टी इज टेम्परेचर। इसका मीनिंग एक ऐसी इक्वेशन जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपस में कोरिलेट करती है, आपस में इंटर रिलेट करती है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे कि ये बोली रहा है द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन पी वी एंड टी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। इस सिस्टम का कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, जब मैं उसे ऐसी इक्वेशन से कोरिलेट करूंगा, इंटर रिलेट करूंगा, उस इक्वेशन को बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हो गया? मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज हैं। अब मैं दो बॉडीज ले लेता हूं, ये देखिएगा मैंने ये दो बॉडीज ली। अब इस बॉडी का कुछ अलग टेम्परेचर होगा, इस बॉडी का कुछ अलग टेम्परेचर होगा, ये चीज समझ रहे हो? अगर तो इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर आपस में सेम हुआ, अगर तो इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर आपस में सेम हुआ, देन वी कैन से दैट दीज टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मान लो सेम नहीं भी है, इसका टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, इसका हम मान लेते हैं कितना ले लेते 10 डिग्री सेल्सियस ले लेते। जब मैं क्लोज लाऊंगा तो होगा क्या? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से हीट एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी दूसरी बॉडी तक, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो लगभग सेम ना हो जाए। और जब ही ये दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ये दोनों बॉडीज जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। क्लियर हो गया? ये इसकी डेफिनेशन में क्या बोलेंगे हम? मैं बोलता हूँ, आप लिखिएगा। टू बॉडीज आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। टू बॉडीज आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर व्हेन या इफ दे हैव सेम टेम्परेचर। इफ दे हैव सेम टेम्परेचर। क्लियर? मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक जो कि आज हमने लिया है, दिस इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब मैं दो सिस्टम्स की बात करता हूं ना और इनके टेम्परेचर को सेम करने की बात करता हूं, तो आई एम
टॉकिंग अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम, बट जब मैं एक इंडिविजुअल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, अब इमेजिन करना है, मैं ला तो नहीं सकता यहाँ पे। अब इस गैस सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस होती है ना, LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उस गैस का प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। अब आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स या क्वांटिटीज हैं। तो इस सिलेंडर का टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर तो कॉन्स्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है, एक ही बॉडी की बात कर रहा हूँ, जितना प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम अभी है, एक घंटे के बाद आऊँगा, उतना ही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर होता है, वो तभी पॉसिबल है जब ये सराउंडिंग्स के साथ, जब ये सराउंडिंग्स के साथ कोई पंगे नहीं कर रहा, या सराउंडिंग्स इसके ऊपर कोई पंगे नहीं कर रहा, वो तभी पॉसिबल है। तो अगर ऐसा होगा तो मेरा जो ये गैस सिलेंडर है, आई कैन से दैट दिस सिस्टम इज इन थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम। एक ही सिस्टम की बात करेंगे तो मेन डिफरेंस क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हम दो सिस्टम्स की बात करते हैं, उनके टेम्परेचर को सेम रखते हैं, बट थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम में हम एक ही सिस्टम की बात करते हैं और उनकी मैक्रोस्कोपिक जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। आई होप ये सब क्लियर है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हम आगे लेने वाले हैं, एडियाबेटिक वॉल क्या होती है, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, आप जीरोथ लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे। यकीन मानिए जो अभी आपको ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें दी गई है, अब आपको कहीं और आगे पीछे रोमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेस्ट चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं, आप पढ़िए। उसके अलावा जो डाउट्स है, प्लीज़ कमेंट, आपके कमेंट्स हम रीड करते ही हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा, दैट विल बी ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दीज टू टॉपिक्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सेशन, और मेरी कोशिश है कि मैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसे भी उठाऊँ, फिर उसे भी हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। और एक लास्ट बात मैं दोबारा बोलूँगा, अगर आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, अगर उनको कोई दिक्कत है, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, तो ज़रूर उनको बोलिए। और आप खुद भी जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स है, तो भाई मैथ्स में अगर आप शॉर्टकट्स वगैरह देखना चाहते हो ना, तो आ जाइए फिर विंग्स एक उड़ान चैनल के ऊपर, जिसका लोगो मैंने आपके सामने ये लेफ्ट साइड पर रखा है, राइट साइड में नीव हमारे खुद के चैनल का लोगो है, काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं हमें, सब्सक्राइब भी करिए भाई, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, ना ही हमें कोई पैसा मिलता है उसका, तो काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है बस। उसके अलावा यहाँ दो में प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ पीछे वाले वीडियोज़ की, आप देखिए, इन्जॉय द सेशन, थैंक्स अ लॉट।